जीआरडी केसेस बहुत बढ़ गए हैं, गैस्ट्रो ओएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज ये बहुत ही कॉमन हो गया है, हर तीसरा पेशेंट ये प्रॉब्लम लेके आ रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जो खाना पीना है और जो मेडिसिन जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी इस्तेमाल में आ रहे हैं, खास के एनर्जेसिक्स जो हैं वो ये प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। और इसमें होता यही है कि जो फूड और एसिड हैं वो अगर समय पे खाना नहीं खाया जाए तो वो ऊपर की ओर बढ़ता है, और ऊपर की ओर बढ़ता है तो जो फूड पाइप है वो एसोफेगस है, वहाँ एक स्फिंक्टर होता है, वो स्फिंक्टर वीक हो जाता है, और वो जब वीक हो जाता है तो आसानी से फूड एंड ड्रिंक्स फूड पाइप में चले जाते हैं, और फूड पाइप में जाने के बाद हार्ट बर्न होता है, कलेजे में जलन होता है, पेट में जलन होता है, भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग भी होता है, कभी कभी हिमेटिनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड भी वॉमिट होता है। और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो ये आगे चल के ओएसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है, ओएसोफेजियल कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। इससे बचाव का तरीका क्या हो सकता है, हम लोगों को अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, एक बार में पेट भर के नहीं खाना है, हल्का हल्का खाना है, पेट भर के खाने से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। 5 बार खाएं, 6 बार खाएं, लेकिन एक बार में पेट को ना भरें, स्पाइसी चीज़ अवॉइड करें, फास्ट फूड कम खाएं, फास्ट फूड जितना कम हो सके फास्ट फूड खाएं, और खाने के समय में पानी ज़्यादा ना पिए, पानी कम पिए, और 1 घंटे बाद फिर आपको जितना मन करे पानी पीजिए, लेकिन खाने के साथ ना पिए। इससे हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट है, अगर सिर्फ पेशेंट को एसिडिटी है तब तो हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, लेबेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल ये सब दे सकते हैं, लेकिन अगर स्फिंक्टर का प्रॉब्लम हो गया है तो डॉमपेरिडॉन उसमें अगर मिला हो तो रिजल्ट और अच्छा मिला। रिजल्ट डॉमपेरिडॉन लेने से वो उस स्फिंक्टर के टोन को बढ़ा देता है जिससे ये प्रॉब्लम कम है।